करेक्ट करने में प्रीपोजिशन करेक्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक वर्ड होता है यूज्ड, इसके साथ कहाँ टू लगता है, कहाँ फोर लगेगा, इसे ट्रिक की तरह से समझेंगे, ट्रिक से समझेंगे। पहले छोटा सा रोल कर देख लेते हैं। जब हमारा पर्पस और रीजन जो होगा वो वर्ब होगा, तब यूज्ड के साथ टू का यूज होगा। जब हमारे सेंटेंस का रीजन और पर्पस नाउन होगा तब हमारा यूज्ड के साथ फोर का यूज किया जाएगा। अब सेंटेंस को देख लेते हैं और ट्रिक को देख लेते हैं। तो रोल हो गया नहीं समझ में आया, दिमाग से ऊपर से उतर कर चला गया। लेकिन द पेन इज यूज राइटिंग, द पेन इज यूज ब्लैंक राइट। अब आपकी ट्रिक क्या कहती है, अगर आपके जो सेंटेंस है यूज तो दिया ही होगा आपके सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में जो ये वर्ब दी होती है, अगर इट मीन्स अगर आई एन जी जुड़ा हुआ है वर्ब में, तो आपको यूज करना है यहाँ पर फिर फोर का। सेंटेंस क्या होगा, द पेन इज यूज फॉर राइटिंग। दूसरा सेंटेंस है द पेन इज यूज, टू कब यूज होगा, जब सिर्फ वर्ब का बेस दिया हो, यानी सिंपल सी वर्ब दे रखी हो राइट। ऐसे ही ए बकेट इज यूज कलेक्ट वाटर, तो यहाँ पर आई एन जी नहीं जुड़ा हुआ है, तो हमारी क्या यूज होगा, फिर हम क्या यूज करेंगे, टू का। ए बकेट इज यूज टू कलेक्ट वाटर। वहीं पर दूसरा सेंटेंस देखें, ए बकेट इज यूज कलेक्टिंग, इट मीन्स आई एन जी जुड़ा हुआ है, तो आई एन जी अगर जुड़ा हुआ है तो हमें फोर का यूज करना होता है वाटर।